आज हम लोग आटे का गुजिया बनाएंगे। आटे का गुजिया बनाने के लिए हमने एक पाव खोया लिया है, बारीक छोटा छोटा टुकड़ों में कटा हुआ बादाम है, एक पाव शक्कर लिया है और 2 चम्मच हम लोग घी का यूज करेंगे। पहले हम लोग आटा गूंदने के लिए स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये गेहूं का आटा है, हमने इसके लिए मैदे का यूज नहीं किया है। और घी को थोड़ा गरम करके 2 चम्मच घी को डालना है, घी को गरम करके लेना है। गुनगुना पानी डाल के आटे को गूंदना है। मैंने गुनगुना पानी लिया है, ठंडा पानी का यूज नहीं करना है इसमें। और आटे को अच्छे से गूंदना है। आटा गूंद के हमारा तैयार हो चुका है। अभी 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखना है और अभी हम लोग मिश्रण तैयार करने के लिए लेंगे। शक्कर को हमको मिक्सर में पीसना है और उसका पाउडर बनाना है। एक बाउल में हमने खोया लिया है, कद्दूकस किया हुआ खोया। अभी उसमें हमको जो शक्कर का पाउडर बनाया है उसको डालना है। दोनों ही सेम क्वांटिटी में हमने लिए, खोया 1/2 केजी और शक्कर भी 1/2 केजी। उसमें ड्राई फ्रूट्स को डालना है और पूरा अच्छे से सब एकजुट होके मिलाना है। आपको इलायची पाउडर चाहिए, आपको उसका स्वाद अच्छा लगता है तो आप वो भी सब मिक्स कर सकते हैं। और एक साथ सब मिक्स करना है अच्छे से। हमने सब मिश्रण को एक साथ अच्छे से मिक्स किया है। अभी हम लोग गुजिया बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। हमको इतना आटा लेना है और उसको ऐसे गोला करना है। इसमें थोड़ा सा आटा लगाना है और हमको छोटा सा एक पतला सा रोटी बना के लेना है। इतना साइज का रोटी, उसके अंदर मिश्रण को ऐसे भरना है। साइड में ऐसे पानी को एक साइड से ऐसे लगाना है चिपकाने के लिए। और इसकी सहायता से हमको ऐसे डिजाइन बनाना है। हमारा गुजिया बनके तैयार है। अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। गैस को हमने मीडियम हीट पे रखा है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अभी हम लोग गुजिया को फ्राई करने के लिए डालेंगे। दोनों साइड से फ्राई करना है। फ्राई हो चुका है, अभी हमको उसको निकाल के लेना है।
हमारा खोया का गुजिया बनके तैयार है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।